जाती है और होलिका क्यों जलाई जाती है, तो मम्मी बता थोड़ी बहुत। प्रहलाद बच गए और उसी की खुशी में सबने ये होली का त्योहार मनाया। गाइस डर लग रहा है बाहर उड़ना जाए कहीं पे। और हैप्पी होली गाइस। अब भाई देखो सिंपल होली खेला करो विदाउट पानी। रुकने नहीं वाली, आप नहीं रुकने वाली भाई। बाप रे 90 बार पहुंच गई बैंड की। ओए ये तो नहीं पी। हां पिए पिए। अब भाई खाने पीने का इतना शूट करना नहीं पसंद होता इसकी। तो नमस्कार भाइयों, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और भाई आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने घर पे अच्छे से होली मनाना और थोड़ी मतलब ज़्यादा कीचड़ वाली तो मनाना, मतलब आपके ऊपर हो तो कैसे भी आप होली मनाओ। बस हम आपको अपनी होली दिखाएंगे कि हम कैसे मनाते हैं। वैसे मेरा तो मन है इस बार कि ओनली गुलाल की होली खेले। वैसे मेरे को सुबह 6 बजे कहीं जाना था पर मैं गया नहीं, क्योंकि भाई रात में मैं 2 बजे सोया था। गुजिया बना रहे थे हम एक्चुअली। रुको तो मैं दिखाता हूँ गुजिया। ये देखो गाइस सूख रही है गुजिया, अभी यहाँ सूखने के लिए रखी हूँ। तो वैसे रात में दी थी गुजिया बना के सूखने के लिए, बस अब बॉयल होंगी। बॉयल कर रहा हूँ, हाँ मतलब फ्राई होंगी, बस बन जाएंगी फिर गुजिया हमारी रेडी। फिर खाएंगे, मस्त इन्जॉय करेंगे। और भाई कल रात का सीन बताता हूँ, यहाँ पे क्लिप आ रही होंगी कहीं साइड वाइड में, वो थोड़ी बहुत देख लो, तुम्हें थोड़ा बहुत पता लगेगा। क्योंकि भाई कल रात में होलिका दहन था, और होलिका दहन क्यों होता है वो भी मेरी मम्मी आ रही है, वो बताएंगी। क्योंकि मैंने मम्मी से वो स्टोरी सुनी थी, मेरे को थोड़ी हल्की फुल्की याद है, रात में सुनी थी। तो बाकी भाई मम्मी अच्छे से बताएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अभी मम्मी आती होंगी, तब तक तुम वो क्लिप देखो। और हाँ भाई कल सुबह भी मैं गया था RSS की छोटी शाखा लगी थी यहीं पर डिपो के पास, तो वहीं पर मैं गया हुआ था। तो पहले वो वाली क्लिप देखो, फिर रात की क्लिप देखना। तो भाई जो मैं तुम लोगों को बताया था वो यहाँ पे आए थे हम, RSS का जो भी शाखा की मेल मिलन है वो यहाँ पे उड़ती है, देख लो खा रहे हैं। और ये रहे अपने रितेश भाई जिन्होंने मेरे को ऐड करा था इसमें, और विशाल भाई कहाँ, ये रहे पहचान में नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं होली के लिए थर्डी तरीके से। बाकी मिलते हैं तुमको घर पे। ये हमारे लक्की भाई, ये भी हमारे सब्सक्राइबर है। ये सौरभ भाई है, और कोई है जानकार? ये हमारे प्रदीप भाई है जिम पार्टनर, हमारे साथ जिम में आते। इट्स होली का दहन गाइस। तो गाइस होली का दहन हो रहा है अभी यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है रात के कितने बज रहे हैं भाई? 11 बज चुके हैं रात के। अभी मैं फोन में क्या टाइम कैसे दिखाऊं तुम्हें, छोड़ो रात के 11 बजे हैं, अंधेरे से तुम्हें पता ही चल रहा होगा। आपने क्लिप देख ली होंगी। और भाई यार मेरे ना यहाँ पे एक दाना हो रहा है नाक के पास, ये थोड़ा जस्ट अभी अभी हुआ है, पिंपल है गाइस, कोई नहीं, होली नहीं रुकनी चाहिए गाइस। और हाँ भाई क्या तुम लोगों को पता है कि होली क्यों मनाते हैं और होली का दहन क्यों होता है? नहीं पता होगा कुछ लोगों को, पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई चलो थोड़ी मम्मी के साथ मिलकर हम थोड़ी स्टोरी सुनाते हैं इसकी, कि होली का दहन क्यों होता है और होली किस लिए मनाई जाती है। तो गाइस मम्मी को भी हैप्पी होली विश कर दिया है और सुबह ही कर दिया था उठते ही, है ना मम्मी? और भाई अब मम्मी स्टोरी बताएंगी थोड़ी सी कि होली क्यों मनाई जाती है और होली का क्यों जलाई जाती है। तो मम्मी बताओ थोड़ी बहुत, देख रहे गरीब को देख रहे हॉस्पिटल मांग रहे हैं। हिरण्य कश्यप राक्षस राज था, उनके पुत्र थे प्रहलाद। वो राक्षस राज अपने को खुद को भगवान मानता था, तो अच्छा। वो मतलब जो उनका बेटा है वो उनको भगवान नहीं मानता, तो वो श्री हरि विष्णु का नाम जपता था। अच्छा। तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरा सारी प्रजा मुझको मानती है और मेरा बेटा होकर हरि को मानता है, हरि मेरा दुश्मन है, मेरे अच्छा। दुश्मन को पूजेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। वो उसको हर प्रयास करता उसको मारने के लिए, अपने पुत्र को ही मारने के लिए हर प्रयास किया उसने, यहाँ तक कि पहाड़ों पे ले गया, वहां से गिरा दिया, फिर सांपों के उसमें जेल में उसको बंद कर दिया, फिर भी नहीं उसने कहा मरा, पहाड़ों से गिरा तो भगवान की कृपा से वो फूल बन गया, फूलों पे आके घुस गया। फिर उसकी बहन को वो मिला हुआ था वरदान, एक चुंदरी मिली हुई थी जिसको वो ओढ़ के आग में बैठती ना, ऐसे ओढ़ के आग में बैठती तो वो नहीं जलती थी, तो उसने सोचा कि ये पानी से नहीं मरा, आग से नहीं मरा, पहाड़ से नहीं मरा, और हाथियों के पैरों के नीचे भी खुलवा दिया तब भी नहीं मरा था, तो श्री हरि उसके हमेशा रक्षा किया करते थे। तो फिर उसने अपनी बहन को बुलवाया और बहन से बोला कि बहन तेरे पास जो चुंदरी है उसको ओढ़ के और इसको पकड़ के बैठ जाइए, ये जल जाएगा तू बच जाएगी, तो ये आग तो इसको जला पाएगी, घर के कहीं से नहीं मर पाया तो आग तो इसको जरूर मार देगी। तो क्या फिर उसको ऐसे बिठाया गया प्रहलाद को अच्छा अपनी बुआ की गोद में बिठा के और उसको आग लगा दी गई।
तो उस बुआ तो उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मैं तो मैं जलूंगी नहीं, मुझे तो वरदान है, वरदानी चुन्नी मिली हुई है। लेकिन हुआ क्या कि जो वरदानी चुन्नी थी श्री हरि की कृपा से उसके सिर से उतर के प्रहलाद के सिर पर पड़ गई और होलिका का दहन हो गया, बुराई जर गई और प्रहलाद भक्त प्रहलाद बच गए। और उसी की खुशी में सबने ये होली का त्योहार मनाया, सबने धूमधाम मचाई कि देखो श्री हरि विष्णु की जय हुई और हिरण्यकश्यप की हार हुई, तो ये होली का त्योहार मनाया गया। तो समझ गए ये थी पूरी स्टोरी और कुछ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चाय आती थोड़ी सी पी ली है मैंने, बाकी ये नाश्ता गाइस। और ये हमारे घर के चोंच लगा दी थोड़ी, चल दे तुम लोग दिखा सकल दिखा 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 देख 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 कैसे खा रही है। ना माने ना माने तू, ये जिम करेंगे जी, ऐसे खा रहे दबा के बताओ। तो भाई चाय नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। चाय उठ गई मेरी, सॉरी। हमें कमेंट करके बताना ये गुजिया किसकी फेवरेट है। भाई अभी हम आए हैं रोशनी दीदी के घर पे, रोशनी दीदी का कलर लगाने। ये देखो इनका भूत बना। ओए भाई फोन पे नहीं, भाई कहाँ से आ रहे हैं उड़ उड़ के। चलो भाई नीचे खेलेंगे। A few moments later. भाई यहाँ पर आ रखे अंकल वगैरह, भाई होली खेल रहे हैं अभी थोड़ा। फोन वगैरह नहीं जाता, फोन वगैरह लग जाएगा इस वजह से। बाहर अंकल आ रखे हैं जहाँ पर पहले जाते हैं वहाँ से अंकल वगैरह आए, तो भाई चलते हैं। जिनके मुन्नी गाड़ी चलाई थी ना वही अंकल आ रखे हैं। हाय दो सारे अंकल, हेलो कर दो, व्लॉग में आओगे। यहाँ पे एक घर है कहाँ, अरे छोड़ना भाई इतना पक्का गला लगा दिया। ये सब मेरे को नहीं पसंद, और ये क्या बोलूँ मैं, छोड़ो मैं। और भाई अंकल हैं ये गड्डी जो उनसे हमने चलाई थी, और अभी यार दोस्त भी आ रहे मेरे गाड़ी से। देखो हम अंकल की गाड़ी को थोड़ा मतलब घुमा के लगानी है अभी कुछ इसमें थोड़ा ठीक कराया, तो वही लेके चल रहे हैं। निकल चुके हैं अंकल की गाड़ी लेके, यहीं से घुमानी है ना। देख सकते हो कार चला रहा है, मैंने सिखाई है इसको। बाइक भी इसको मैंने सिखाई है। तो गाइस लेके चल रहे हैं यहाँ से। गाइस डर लग रहा है बाहर बूढ़ ना जाए कहीं पे। A few minutes later. तो भाई अभी आए हमारे प्रभुपाद जी और ये सारे भाई, आकाश भाई, ये राहुल भाई, ये प्रिंसी भाई। चलते दिखा दो भाई हैप्पी होली। तो भाई अभी भैया गाड़ी वाड़ी पार्क करवाते हैं। नहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी गाड़ी पार्क करवाते हैं फिर घर पे चल के खाएंगे पियेंगे फिर उसके बाद फिर चले हैं। तो भाई अब थोड़ी भाइयों के साथ बुलाल बुलाल लगाते हैं भाइयों। अरे आपके तो लगाया नहीं भाई, रुक तो जाओ भाई। देखो सिंपल होली खेला करो, विदाउट पानी, विदाउट सब कुछ, बस ओनली उसकी होली, क्या बोलते हैं, होली गुलाल की होली खेला करो। लगाओ भाई भूत बना दो उसका, तो चलेगा भाई सब। अबे यार मुंह में मत बताओ यार भाई, ऐसी होली बनाओ बिल्कुल नॉर्मल होली, सिंपल होली गाइस। पक्का पक्का कलर मत लगाओ यार, ये सब बेकार होते हैं। अभी पता है मैंने अपने घर वालों के कलर भी लगाया, चलो उनके लगाते हैं। अच्छा कलर लगाएंगे भाई, इसके मिट्टी मिट्टी लगाई है। तो भाई पानी बंद कर ले भाई, कान में देख रहे भाई, कान में तुम्हें अपने दांत दिखा दो, दिख रहे दांत साफ हो गए बे। पता है किसके कान में दांत है रे भाई, मैंने किया भाई, मंजन कराया दांतों में कलर से। भाई भाई और कहीं भी लगाया वो दिखा नहीं, वो जो बाकी के मंजन हो उसके ऊपर जिक्र करेगा, वो थोड़ा प्राइवेसी है, वो चीजें नहीं दिखाई, वो चीजें दिखाई नहीं जाती गाइस। अब निकल रहा है, खींचो फोटो,
अबे तो भाई निकलने तो दे थोड़ा। अरे वो पीले कलर का होता है ना तो अच्छा लगता है, ये कलर ही नहीं अच्छा लग रहा है। चुरा लिया ये, चुरा लिया इन्होंने। ओ आइज मम्मी को देखो, मम्मी फुल फ्लैक्स करती हुई। खत्म आइज। तो अब चलते हैं कुछ खाने पीने। ये रियल ताते हैं शो गाइस। और ये पिंदी है गाइस, पिंदी। ब्रेड पकोड़े आए थे वो, थोड़ी भूख थोड़ी हैवी थी हमारी और खाना थोड़ा अच्छा टेस्टी थे ब्रेड पकोड़े। तो पेन से पूछ लेते, मेरे को तो अच्छे लगे भाई घर के मेरे। कैसे थे भाई ब्रेड पकोड़े? ओके रिपोर्ट भाई आपके। मोहन व्रत रख, अबे भाई इसकी इतनी गिल्स आई है इसलिए भाई ने मोहन व्रत रख लिया। लेटा दो शाम बना दो। अभी हम आए हैं कुछ खा पी कर आए थे बाहर से। पी कर नहीं खा के। अरे वही कोल्ड ड्रिंक यार, कोल्ड ड्रिंक पी कर आए तो पी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। हाँ पी है, पी है। अब भाई खाने पीने का इतना शूट करना नहीं पसंद होता इसकी। मैं अम्मा बहन कर दूंगा भाई, व्लॉग नहीं बना। मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अम्मा बहन पे जो पीछे गेट खोल खड़ा है। अबे एसी चल रहा है, बंद कर दे। बंद कर देना, बालों का भी बुझा दो, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो भाई मेरी गलती सब जगह। ब्रांड का फ्रेंड ही हो गया अब तो मैं। क्या हो गया, क्या हो गया बेबी? ओपेंड हो गया भाई। ओपेंड की स्पेलिंग ओ डबल एफ ई एन डी बोल तो दिया। ये क्या है, देख रहा है ये। तो भाई अब भाई वगैरह जाने ने अपने घर की, और इनके घर पे भी कोई रिश्तेदार वगैरह आने। भाई भाई भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, भाई यहाँ पर आए, अपना टाइम बिताया हमारे साथ। फॉलो करें मुझे इंस्टा आईडी पे। इसको प्लीज मत करना यार भाई, मैं ब्लॉक मैं डिलीट कर देना अपना, फॉलो करने से अच्छा। हां छोड़ो भाई, चलो भाई ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं, घुमा दो अब गड्डी। ओके भाई घुमाओ ड्रिफ्ट मार दो। चलो भाई भाई चले गए हैं अब हम भी चलते हैं घर पे। हम कृष्णा फास्ट फूड गए थे पर बंद था, तो उसके आगे एक दुकान थी वहाँ से खा पी कर आए। पता नहीं क्या नाम था उस दुकान का, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया खाने पीने का यार, उतना मज़ा नहीं आ, मन नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने का। भाई भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करने में ना अलग ही मज़ा आता है। और शक्ल तो देख ही रहे हो तुम, मेरा क्या नाश मार रखा है शक्ल का, क्या बताऊँ मैं। भाई चलते हैं अभी घर पे, कुछ खाना खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो। चलो भाई नहा दो के चित तो सोएंगे अब, कुछ काम नहीं। और भाई मेरा पेपर है 2 दिन बाद, तो उसके लिए पढ़ना भी है। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। अभी अभी और भी 10 काम होंगे मेरे को पता है घर पे। अभी एक दीदी को छोड़ के आना है करा ला, देख रहे बहुत काम होता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई तुम्हारा भाई एकदम नहा धो के साफ सुथरा बन चुका है एकदम। नहा तो मैं बहुत देर पहले गया था, अभी तो 6 बज चुके हैं। और ये ब्लॉग भी शायद नेक्स्ट डे आ गया होगा, तो भाई देखूँगा कोशिश करूँगा अपलोड कर दो यार। मेहनत बहुत लगती है भाई ऐसे एडिट करने में, अभी रात में एडिट करने बैठूँगा, बहुत काम है भाई। सारे अपने अपने घर चले गए हैं, और अब हम भी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और भाई कमेंट करके बताना कैसे लगी हमारी होली, मतलब ज़्यादा खास नहीं थी, नॉर्मल खेली होली। इस बार ना पानी और कीचड़ वाली नहीं खेली, मतलब बंदे ने पक्के पानी वाली बहनों वगैरह ने खेली होगी। हम तो भाई अपना गाड़ी में घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। और भाई तुम्हारा भाई अब एकदम परफेक्ट हो चुका है भाई गाड़ी में, बस एग्जाम खत्म होने तो फिर अंकल की गाड़ी यहीं पर ले आएंगे, अपनी बहनों को सिखाएंगे और खुद तो ड्राइव कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी आएगा वो भी व्लॉग। और भाई क्या बोले, बस ट्रिप कैंसिल हो गई हमारी, उसका कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है भाई। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कोई नहीं, बट कोई नहीं भाई, अगली बार राधा रानी बुलाएंगी तो जाएंगे भाई, क्योंकि उनके बुलावे से होता है ना सब कुछ। देखो पीछे गाने चला ले, छोड़ो ये भाई, एक सेकंड बंद कर दे भाई, व्लॉग एंड कर दो बस। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।